डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे, अनेकता, विविधता, विविधता। हम विविधता को, विविधता को स्वीकार नहीं करते। परिवार का एग्जांपल लेते हैं, आप यहाँ से घर जाते हो, परिवार के लोग अलग तरह के हैं, सन्यासी जैसे नहीं है, विविधता है वहाँ पे, वो हमें स्वीकार नहीं है। उनको आपकी विविधता स्वीकार नहीं है, उनसे तो मेरी कोई कंप्लेंट हो नहीं सकती, वो तो सन्यासी नहीं है, आपसे ज़रूर कंप्लेंट हो सकती है। आपको उनकी विविधता स्वीकार नहीं है, आप चाहते हो इस जगत में सारे आपके जैसे ही हो जाए, प्रकृति ने ऐसे डिज़ाइन नहीं किया, हर पेड़ हर पत्ती तो अलग अलग है यहाँ पे, और सब आपकी तरह हो जाए तो मतलब थोड़ा बोरिंग सा नहीं हो जाएगा? तो ये बहुत बड़ा इशू है मानव जाति के साथ आज की डेट में, कि हम विविधता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम डाइवर्सिटी को गले नहीं लगा रहे हैं। और ये डाइवर्सिटी धर्म की नहीं है, ये डाइवर्सिटी अलग अलग तरह के लोगों की है। आपके घर में पांच लोग हैं, पांचों अलग तरह के, आप चाहते हो कि आपकी बात मान जाए, कैसे होगा? ये विविधता है, वो आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे। जब जब तुम विविधता को स्वीकार नहीं करोगे, तब तब क्रोध आएगा और तब तब ये इश्यूज आएंगे। फिर आप क्विक फिक्स ढूंढोगे इसका, कि थोड़ी डायनामिक कर लेती हूँ, क्रोध निकल जाएगा। इट वर्क्स, वो काम करता है, बट है क्विक फिक्स। डायनामिक अगर आपको एक ऐसी स्थिति में ले जाए जहाँ आप विविधता को स्वीकार करने के काबिल बन जाओ, तो क्रोध से निवारण होगा। ओशो की बगिया में देखे कैसे कैसे फूल थे, हर तरह का आदमी था वहाँ पे, गुंडा, मवाली, शराबी, ध्यानी, हर तरह के फूल ओशो की बगिया में थे। ये मास्टर ने विविधता तो वो एकदम गले लगा लिया। उन्होंने बोला नहीं कि यार तुम बड़े कामी हो, तुम जाओ आश्रम से बाहर, बोला नहीं किसी को आज तक ऐसा, या तुम्हारा तो सारा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में आश्रम की, तुम जाओ बाहर, ऐसा बोला नहीं किसी को। तो फिर क्या सीख रहे हैं मास्टर से? सिर्फ क्रोध ना, इसका फॉर्मूला 2 मिनट्स मैगी न्यूडल से काम नहीं चलेगा, आध्यात्म की यात्रा है। तो विविधता को गले लगाने का प्रयास करो, एक्सेप्ट करो लोगों को जैसे वो हैं, पति ऐसे, बच्चा ऐसा, तो ऐसा सही। सन्यास की भाषा समझ में नहीं आती तो ना सही, ऐसे ही चलेगा। दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलने वाली, इम्पॉसिबल। और विविधता में एक ब्यूटी है, उस ब्यूटी को देखने की कोशिश करो। हम सड़क पे जब चलें तो हम सिर्फ सन्यासी को ना देखें, हमें व्यक्ति दिखने चाहिए, इंसान दिखना चाहिए। इंसान है तो किसी दिन सन्यास भी घट जाएगा उसके अंदर। बट तुमने अगर इंसान को ही नकार दिया कि ये तो सन्यासी नहीं है, बेकार आदमी है, तो तुमने तो फिर परमात्मा को ठुकरा दिया। बड़ा अच्छा, पता नहीं किसने बोला, मेरे को ध्यान नहीं, शायद ओशो ने ही सुनाई होगी ये कोई कथा ऐसी, कि वो बोलते हैं कि जब परमात्मा ने इनको स्वीकार किया हुआ है जैसे हैं, तुम कैसे नकार सकते हो, तुम परमात्मा से बड़े हो गए क्या? अगर परमात्मा ने किसी की सांस अभी तक चलाई हुई है, वो दिया जलाए या ना जलाए, अगर उसे स्वीकार है तो तुम कौन हो फिर? तो उसके लिए एस्पायर करो। ये विविधता परमात्मा के जगत में, आपके पति के फॉर्म में, बच्चों के फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी है, इस बात को अगर आप समझ गए, पकड़ गए, जीवन बड़ा सहज हो जाएगा फिर से। बड़ा अच्छा गाना है, कहते हैं तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, तुम अगर भूल भी जाओ, तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तो ये कितना सुंदर, ये उनके साथ नहीं लगा सकते कि तुम मुझे स्वीकार ना भी करो जैसा मैं कर रही हूँ, ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की तुमसे भी और अपने गुरु से भी और अपने परमात्मा से भी, तो मेरा तो ये तरीका, तुम गाली देते रहो, वो तुम्हारी मौज, वो तुम्हारा अधिकार, या इसको बोलो वो तुम्हारी मौज है, मैं स्वीकार करता हूँ उस मौज को।